अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज संडे का दिन है, अभी 2 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ एक जगह टेस्ट देने के लिए। एक जगह अप्लाई किया हुआ था तो उसकी एंट्री का टेस्ट है। और सुबह से फिर से बारिश हो रही है, आज मौसम अजीब सही हुआ हुआ है, कभी गर्मी हो जाती है तो कभी ठंड हो जाती है। अभी फिर मैंने ये जैकेट पहन ली है। बस इसको गिरना था, ये भी गिर गया। भाई जल्दी निकलना तो हमें रास ही नहीं आता ना। आधे रास्ते में पहुंचा था कि याद आया कि स्लिप तो घर ही भूल गया हूँ। वहाँ से फिर गाड़ी मोड़ के वापस गए हैं और सुनी है बातें और स्लिप उठा के अब फिर जा रहे हैं। 5 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया है, अभी भी फंसा हूँ। अच्छा तो पहुँच में गया हूँ, टाइम ऊपर ही हो गया है, अभी अंदर जाते हैं। और एक काम ये करना है कि फ़ोन तो अंदर लेके जा नहीं सकते तो फ़ोन को छुपाना पड़ेगा गाड़ी में ही, ठीक है? अगर आप में से कोई देख रहा है तो बराए मेहरबानी, अगर आपको पता है कि कहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है तो चोरी नहीं करना, ठीक है? बाय। वही बारिश शुरू हो गई है, टेस्ट हो गया है। और पहला टेस्ट था जिसमें कोई सवाल जो है ना ढंग के थे, लेकिन मुझे फिर भी नहीं आते थे। तो अभी हम निकलते हैं, बारिश काफ़ी तेज़ है। टेस्ट के बाद मुझे जाना था वैसे F6, वहाँ से मैंने लेके आनी थी अपनी साइकिल। तो अभी तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अभी जाना मुश्किल ही है, क्योंकि वापस मैं कैसे आऊँगा साइकिल पर। तो अभी घर जाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करने को है। बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, घर तो पहुंचने वाला हूं लेकिन अंदर तक जाते जाते भी गीला ही हो जाऊंगा मैं। छतरी हमने मंगवाई है तो कोई गेट पर आए तो फिर अंदर जाते हैं, वरना तो गीला ही हो जाना है घर जाते जाते। बारिश का मौसम है, बाहर नहीं निकल सकते इस मौसम में इतना, तो घर से काम मिल जाए तो भाई फिर अंदर कैसे बंदा बैठे इस मौसम में। तो हम जा रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, मतलब सारे लड़के जिस काम के लिए पैदा हुए हैं ना वो करने जा रहे हैं। तो भाई इस सूरत हाल में भी ना हमने दही ले लिया है तो अब वापस जाते हैं। देखो क़यामत भी आ जाए ना तो दही आपको लानी पड़ेगी, सही है? गाड़ी मिसिंग करने लग गई है, लगता है कि पानी चला गया है, पानी बहुत खड़ा है रोड पे। झटके मारते मारते हम घर तक तो पहुंच ही गए हैं, गाड़ी ने पहुंचा दिया है, इससे आगे पता नहीं अब क्या चक्कर है। पानी मुझे लगता है ज़्यादा चला गया क्योंकि मैंने एक जगह से गुजारी है जहाँ पानी काफ़ी खड़ा हुआ था। अच्छा तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, लास्ट शॉट के बाद मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, रात को मैं सो गया था वापस आके।
और अभी बस मैं एडिट कर रहा हूँ और ये ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो बस मैं पोस्ट करने लगा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। मौसम साफ हो गया है काफ़ी हद तक और मैं अभी आया हूँ पेट्रोल डलवाने।